हेलो स्टूडेंट्स, मैं नूरजहां बेगम और आप लोगों की हिंदी क्लासेस बहुत दिनों से नहीं हुई हैं, तो अभी जितना भी हम कर पाएंगे इस लॉकडाउन पीरियड में कोशिश करेंगे कि आप लोग को जो भी पहले पोषण नहीं हुआ है वो इस अभी हम पूरा करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, और सबसे पहली बात कि ये जो समय है इसमें सभी बच्चों को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो मैं सभी बच्चों से ये गुजारिश करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि वे घर पर ही बैठकर अच्छी तरह से पढ़ाई करें। अगर वे बैठकर पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे जो किताबें उनको दी गई हैं, तो फिर निश्चय ही वे कुछ सीखेंगे। अगर घर में बैठकर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर सीखने का प्रश्न ही नहीं उठता। सबसे पहले आपको जो किताबें दी गई हैं उनमें रीडिंग राइटिंग डेली आपको करना है, किताबें पढ़नी हैं। किताबें पढ़ोगे तभी कुछ सीखोगे। और जो भी मटेरियल दिया जा रहा है आपको ग्रुप में, आप उसे फॉलो करते रहिए और जो भी टीचर्स काम दे रहे हैं उसे अपनी कॉपी में करते रहिए। नियमित रूप से डेली आपको काम करना है। अगर आप एक भी दिन छूट जाते हैं या फिर कल कर लेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी में मैं किसी भी कक्षा के लिए, चाहे वो पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, किसी भी कक्षा, यहाँ तक कि कक्षा दसवीं तक के बच्चों को मैं यही सबसे पहले जो है बेसिक कंसेप्ट हमको क्लियर होने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट में वर्ण है, स्वर व्यंजन है, शब्द है, शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य है, उसके बाद ही हम पाठ की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले मैं जो विषय लूँगी जो कि छठी और सातवीं कक्षा के लिए हो या फिर चौथी या पांचवी कक्षा के लिए हो, हाँ मैं चाहूँगी कि बच्चे पहले वर्ण विच्छेद सीखें, कि उनको उन्हें जो किताबें वो पढ़ते हैं उनमें जो शब्द दिए हुए हैं वो शब्द कैसे बने हैं, उन शब्दों में कौन कौन से स्वर आए हैं, कौन कौन से वर्ण हैं, उनको इसकी पहचान अच्छे से होनी चाहिए। और उन्हें अपनी लिखावट पर ध्यान देनी चाहिए, हाँ जो शिरोरेखा वो लगाते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वर्ण सबसे पहले हिंदी में वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की लघुतम इकाई कहा जाता है। वर्ण भाषा की लघुतम इकाई होती है, वह लघुतम इकाई, वह स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसके बाद उसका विच्छेद नहीं होता। यदि वर्णों को हम तोड़ते हैं तो ये टूटते नहीं हैं, और टूटते भी हैं तो वे व्यर्थ होते हैं, और व्यर्थ चीज़ों का कोई मूल्य नहीं होता। ठीक है, तो वर्ण भाषा की लघुतम इकाई होती है, हाँ जिसका खंड नहीं हो सकता, हाँ जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, सबसे छोटी इकाई जिसे सेल होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पूरा, मतलब इसका जो सिस्टम है उसमें हम मानते हैं कि सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो सेल होता है। ठीक है, उसी तरह से भाषा में भी जो सेल है वो है वर्ण, या इसके टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है और जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, तो इसकी परिभाषा आप लोग लिखेंगे। ठीक है, वर्ण भाषा की
काई है। वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। लिखने के समय आप शिरोरेखा का ध्यान रखेंगे, जो ऊपर शिरोरेखा लगाई जा रही है, आपकी बंगला भाषा में शिरोरेखा तोड़ तोड़ के लगाई जाती है, बंगला भाषा में आप इस तरह से इस तरह से इस तरह से आप शिरोरेखा लगाते हैं, हिंदी में ऐसा नहीं होगा, हिंदी में आपकी शिरोरेखा पूरी शिरोरेखा आपकी लगेगी इस तरह से। और ये तब लगती है जब आप पूरा शब्द लिख देते हैं, जब आप पूरा शब्द लिख देंगे तो इस तरह से आपकी, जैसे लघुतम मैंने लिखा है तो मैंने पहले ला लिखा है, फिर घ बनाया है, फिर त लिखा है और फिर म लिखा है, लघु तम और उसके बाद मैंने ऊपर शिरोरेखा लगाया है। इस तरह से आप लिखेंगे तो फिर आपका जो शब्द है वो दिखने में भी सुंदर लगेगा और बीच में से आपकी जो शिरोरेखा है वो टूटेगी नहीं, ठीक है। कई बच्चे किस तरह से लिखते हैं, ऐसे ला हाँ, फिर घ हाँ, फिर इस तरह से ता हाँ, मा, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी हिंदी में लिखने का गलत तरीका है, ठीक है। आप ध्यान देंगे कि हमेशा आपका हाँ इस तरह से शिरोरेखा, पूरी शिरोरेखा हिंदी में आपकी लगेगी और ये तभी संभव है जब आप शब्द को पूरा लिख लें और शिरोरेखा बाद में लगाएंगे, ठीक है। जैसे हम भाषा लिखते हैं तो भ, ये हमने भ लिख लिया, शा और फिर इसके ऊपर हमने शिरोरेखा लगाया, तो इस तरह से इन बातों का आप ध्यान देंगे लिखने के समय। यही बातें हैं जो आपको खुद सीखनी है, हाँ अगर आप घर पर भी हैं तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के आप अपने आप को किसी भी सब्जेक्ट में इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको खुद ध्यान रखनी पड़ती हैं, उसके बाद हम आते हैं वर्णमाला में। वर्ण के बाद वर्णों का जो समूह होता है उससे वर्णमाला बनती है, ठीक है।